हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पेटीएम में फुल KYC कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को पैसे भेजना चाहते हैं या बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या पेटीएम पे कैशबैक आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेटीएम की KYC करनी बहुत ज़रूरी होती है। बिना KYC के आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो पेटीएम KYC भी दो तरह की होती है, मिनी KYC और फुल KYC। मिनी KYC के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दूंगा। आप वहां से जाके इजिली उसे सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फुल KYC के बारे में बताने वाला हूँ। फुल KYC में आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इसको प्रोसेस पूरा क्या है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको सबसे पहले ये पेटीएम की जो एप्लीकेशन है इसके अंदर जाना है। उसके बाद आपको इसमें अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना है पेटीएम से। तो पेटीएम पे अकाउंट कैसे बनाते हैं अगर आपको ये नहीं आता, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इजिली उसे सीख सकते हैं। इसके बाद आपको ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे लाइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें आपको ये जो सबसे ऊपर है ये कैमरे का ऑप्शन VK वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे नाम है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर है मेरा और यहाँ पेटीएम वैलेट स्टेटस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है मेरी अभी जो लिमिट है 10,000 रुपये है मंथली, क्योंकि मैंने मिनी KYC किया हुआ है इसमें। और यहाँ पे ये अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है फुल KYC करने के लिए, तो हमें इस अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसमें देख सकते हैं आप, अगर हम अपग्रेड करेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सेंड मनी टू फ्रेंड्स कर सकते हैं, ट्रांसफ़र मनी टू बैंक, किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं, मेंटेन बैलेंस अप टू 1 लाख, 1 लाख रुपए तक का बैलेंस हम इसमें रख सकते हैं, ओपन सेविंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन है अपग्रेड योर अकाउंट नाउ, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करा तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। सिलेक्ट ए मेथड फॉर अपग्रेडिंग योर अकाउंट, वीडियो KYC का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को रेडी रखना है, और उसकी KYC के लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें जो भी पूछी जाएंगी वो आपको देनी होंगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, वो सब। और फिर और KYC के लिए, वीडियो KYC के लिए जो जो वो आपसे पूछेगा, आपकी फ़ोटो वगैरह लेगा, पैन कार्ड की लेगा, आधार कार्ड, वो सब आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी है। तो इसमें आपको वीडियो KYC है, और एक और ऑप्शन है इसमें विजिट ए नियर KYC स्टोर, तो आप यहाँ से जाके भी कर सकते हैं। स्टोर पे जाके इस पे क्लिक करेंगे, विजिट ए नियर KYC स्टोर पे, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसे है। ये आपका जो आपके नियर बाय जो स्टोर होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आप यहाँ से उसका एड्रेस देख के वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे घर बैठे ही करना चाहते हैं, तो हम ये बैक करेंगे। उसके बाद हम ये वीडियो KYC का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हमसे आधार कार्ड मांग रहा है, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो डालेंगे, आई एग्री करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो मैं जल्दी से ये इंफॉर्मेशन इसमें फिल कर देता हूँ।
यहाँ पे आपको नाम डालना है, उसके बाद आपको आई एग्री जो यहाँ पे दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दी हैं, इसके बाद आई एग्री पे मैंने ओके कर लिया और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही हमारे आधार कार्ड जो है उससे जो रिलेटेड नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। तो ओटीपी आ गया है, मैं उसे यहाँ पे फिल कर देता हूँ। आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे ये आपसे कंफर्म डिटेल करने के लिए पूछेगा। यहाँ पे आपको नाम डालना है, आधार जो आपका आधार में है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, प्रोफेशन पूछ रहा है आपसे क्या है आपका, क्या करते हैं आप, वो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट प्रोफेशंस में जाके जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम कितनी है, जितनी आपकी एनुअल इनकम है वो यहाँ पे भरनी है आपको, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है, उसके बाद आपका एक कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, इस पर यस पे रहने देना है, और यहाँ पे आई डिक्लेयर वाला जो ये ऑप्शन है इसके ऊपर टिक कर देना है आपको। आपको ये सारी डिटेल फिलअप कर देनी है और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ये डिटेल्स भर के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपकी कॉल एजेंट के साथ जुड़ जाएगी, वीडियो कॉल, और वो आपसे जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह जो भी वो मांगेगा वो डिटेल आपको वो प्रोवाइड करनी है उसको। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपका ये KYC 24 से 48 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब KYC हो जाता है तो हमारी प्रोफाइल पे क्या लिखा आता है। तो फ्रेंड्स, जब 48 घंटे बाद आपकी KYC डन हो जाएगी उसके बाद आपको ये पेटीएम ओपन करना है, और इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप ये नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है KYC वेरीफाइड, ये देख सकते हैं आप KYC वेरीफाइड यहाँ पे लिखा आ रहा है, और यहाँ पे एक्टिव स्टेटस में जो है हमारी मंथली लिमिट 1 लाख तक हो गई है, और यहाँ पे ये व्यू बेनिफिट का ऑप्शन जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हैं आप KYC कंप्लीट हो चुका है। अब हम इससे किसी भी मर्चेंट को पे कर सकते हैं, ऑनलाइन ऐप पे या वेबसाइट पे कर सकते हैं, किसी भी फ्रेंड को मनी सेंड कर सकते हैं, बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 1 लाख रुपये तक अपने वैलेट के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए अपने पेटीएम की फुल KYC कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।